एक विश्वस्त बुखे से हमारे टीआई पदम नगर अशोक चौहान को एक सूचना मिली थी कि खरगोन का एक व्यक्ति है जो खंडवा में कुछ हथियार सप्लाई कर रहा है। पुख्ता सूचना होने के आधार पर टीआई पदम नगर की जो सूचना थी उस पर हमने सीएसपी कोतवाली मिस्टर यादव और उनके एक एक डेडिकेटेड टीम तैयार की, जिसमें एक प्रॉपर कार्ययोजना के तहत काम किया गया। और जो खरगोन का जो व्यक्ति है जो सप्लाई कर रहा था उसको जब हमने पकड़ा तो यहाँ की लोकल लिंक में एक डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सामने आया, उससे बात की। उसके बात करने के बाद हमने बाकी जो नीचे की लिंक में जहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था जो लोगों ने खरीदे थे उनकी एक लिस्ट तैयार की और उसमें से अभी तक हमने 5 हथियार बरामद किए हैं, 5 पिस्टल्स हैं। इसके अलावा हमारा काम चल रहा है, उनसे जो सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही कुछ और हथियार बरामद होंगे। और इसमें गैंग आदमी, हाँ, इसमें जो गैंग है इसमें 2 एंड है। एक व्यक्ति जो खंडवा से खरगोन का है जो सप्लाई करता है वो कहाँ से ला आ रहा है ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का समय रहेगा। इसके अलावा जो नीचे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसमें हमें काफ़ी कुछ लीड मिली है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की अभी प्रिलिमिनरी स्टेज है, प्राथमिक चरण है, तो उसमें हम अभी और पूछताछ कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि नीचे जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस पर भी हम जल्दी काम करके जल्दी ही कुछ और हथियार बरामद करेंगे। प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है, किस तरह की तैयारियां की जा रही है? एक अभी कोई ऑफिशियल प्रोग्राम हमारे पास नहीं है, लेकिन चूंकि एक संभावना है तो उसके हिसाब से देखकर हम कल ही आईजी साहब और कमिश्नर साहब आए थे और वहां प्राथमिक तौर पे जो तैयारियां हो सकती हैं स्थल चयन से लेकर बाकी व्यवस्थाओं को, ट्रैफिक अरेंजमेंट्स कैसे रहेंगे, ट्रैफिक अरेंजमेंट्स के अलावा जो बाकी जो सभा और इस तरह की जो समय है उस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई थी और हम उस पर प्राथमिक चरण में है, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं। क्राइम बैठक आयोजित होगी, ये हमारी मासिक अपराध समीक्षा बैठक होती है जिसमें हम अपने थाना प्रभारियों से चर्चा करते हैं बीते समय में जो हमारे अपराध हुए हैं उसमें क्या स्थिति है, कहाँ वृद्धि हो रही है और क्यों वृद्धि हो रही है उस पर चर्चा की जाती है, उनको इंगित किया जाता है जहाँ कमजोरियाँ होती हैं। माइनर एक्ट प्रिवेंटिव एक्शन जो किए जाने चाहिए उसमें क्या स्थिति उस पर चर्चा की जाती है। साथ ही साथ जो हमारे सीएम हेल्पलाइन के विषय हैं, मॉडर्नाइजेशन, पुलिस मॉडर्नाइजेशन की जो चीज़ है जिसमें सीसीटीएनएस और ये चीज़ें रहती हैं उस पर क्या स्थिति है, समग्र रूप से इनसे चर्चा की जाती है। उद्देश्य ये रहता है कि हमारी जो पुरानी जो स्थिति है उसकी समीक्षा करके हम जहाँ कमियाँ हैं उसको ठीक करें और आगे जो आने वाला समय है उसमें हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, उसके अनुरूप हम अपनी कार्य योजना तैयार करके रखें ताकि अपराध नियंत्रण में रहे और कानून व्यवस्था बनी रहे। सर, लगातार एक पखवाड़े में 2 बैंकों में आग लगने की घटना हुई है।